आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। आज दोपहर टीम पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, 159 स्कोर की 8 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर इंडिया ने हमारे साथ क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और इसके बाद हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, इस पर हम बात कर ही रहे हैं। पूरा दिन बात हुई है और अभी एक मरतबा फिर हम असेंबल हुए ताकि आपको मजीद जो चीज़ें रह गई उस पर भी आपसे बात की जाए, आपको समझाया जाए, बताया जाए, ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। सलीम भाई, क्या हुआ? दोबारा रिपीट करें। कहानी वही है, अब आपने नए अंदाज से सुनानी है और मेरी रिक्वेस्ट होगी आप जरा लंबी करके सुनाएं। यार मेरे से लंबा होती नहीं है बात। बात ये है, देखें आज अगर आप मैच का स्टार्ट देखें तो मुझे फील हो रहा था कि इंडिया बहुत डरा हुआ खेला है। आप शहीन का अगर ओवर्स देखें तो वो पहली बॉल भी वो इतने डरे हुए थे कि उसको फुल टॉस को भी उसने रोक लिया, वो कैच होते होते बचा, और उसके पूरा दो ओवर का स्पेल देखें वो डरे हुए थे। शर्मा को उसने आगे बॉल दी, उसने ड्राइव ही मारी, जबकि दुनिया का कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो वो ड्राइव मारता ही मारता अगली बॉल को, वो डरे हुए थे शहीन से। मगर अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता था कि ये तो बेचारा अनफिट है, उसका ना बॉल स्विंग हुआ, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आई। मगर मैं समझता हूँ जब आप अनफिट होना तो ये आप अपने साथ तो ज़्यादती करते ही करते हो, आप पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हो कि आपको पता होता है कि मैं अनफिट हूँ, मैं 100% नहीं दे सकता, आपको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। देखें उसका नुकसान ये हुआ है हमें कि आखिरी ओवर में जब शहनशाह बॉलिंग कर रहे थे तो वो उससे भागा नहीं जा रहा था, बड़ा स्ट्रगल करके 92 वर्ल्ड कप में मुझे याद है इमरान खान इस तरह की बॉलिंग किया करते थे, बहुत मुश्किल से भाग के आके स्लो, तो वो आप अपना नुकसान तो करते ही करते हो। आप ये भी कह दें कि शाहीन शाह बड़ा हो के इमरान खान नहीं बनेगा? नहीं, मैं वो नहीं, मैं वैसे एक जनरली मिसाल दे रहा हूँ कि उसका नज़र आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर आपको टीम का सोचना चाहिए, अपना मतलब इसमें कसूर किस किस का है? देखें इसमें ऑब्वियसली कसूर मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट को पता है सिलेक्शन गलत हुई है, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे कि यार आप दोस्तियों से बाहर आ जाएं, जब आप दोस्तियाँ लेके चलेंगे ना तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। देखिए भाई, पहली इनिंग में जिस तरह से इंडियन बॉलर्स अटैक कर रहे थे, जिस तरह से बॉल पड़ रही थी, स्विंग हो रही थी, दूसरी इनिंग में क्या फ़र्क था, वो आपने पहले भी समझाया था, लेकिन मैच देखने के बाद कितना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था कंडीशन? देखिए मेजर डिफरेंस था, जिस तरीके से बॉल सीम और स्विंग हो रहा था वो हमें बिनवेशवर बिकॉज वो इतना तेज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सीम और बाउंस था विकेट में, आई थिंक दैट बहुत मुश्किल विकेट था। हमने सुबह बात की रिजवान की, ठीक है रिजवान को प्रॉब्लम है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और सबको पता चल गया, लेकिन कंडीशंस ने बॉलर्स को उस तरीके से सपोर्ट किया और बॉलर्स ने उस तरीके से जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली बॉलिंग की, जिसमें उन्होंने उसको स्कोर्स नहीं करने दिए। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया की बैटिंग को पाकिस्तान की बैटिंग से पहले 6 ओवर्स की, तो आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग जो यूनिट था उसको एडवांटेज बहुत कम था, आई विल से 20-25%, लेकिन इंडिया को 75% था जिस तरह पहली इनिंग्स थी। अगर यही हमारे बॉलर्स कर रहे होते तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया शायद इतने रन नहीं करता, लेकिन कुछ कह इसलिए भी नहीं सकते क्योंकि इस हमारे बॉलर ने 4 आउट वैसे भी कर लिए, 20 पे 4 थे इनके, तो सो देयर वाज अ बिग डिफरेंस बॉलिंग में। मैं फिर कहूंगा कि बॉलिंग को हम फिर उस तरीके से हम लोगों ने इतना नहीं कहा, ठीक है शाहीन वॉजेंट अप टू द मार्क, ये हम सबको पता था, पहले भी बात की थी कि हम उसे उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हारिस रऊफ आई थिंक वंस अगेन ही हैज बोल्ड अमेजिंगली वेल, ठीक है 2 गेंदों पे 2 छक्के पड़ गए, हो जाता है क्रिकेट में, बट आई थिंक ही वाज अमेजिंग। ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन उसको अब हारने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरीके से हमने आखिरी 10 ओवर में 118 रन दिए, विच इज़ अ बिग बिग डिफरेंस व्हेन यू गॉट 4 विकेट्स अप इन द पावर प्ले। सो वो कंसर्न हमारा पिछली सीरीज से भी है कि हम लोग मिडल ऑर्डर में उस तरीके से बैट्समैनों को आउट नहीं कर पा रहे, हमें उनको लेके चलना नहीं आ रहा, हमारे बॉलर्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं कर रहे, कंटेन कर रहे हैं शायद, तो डिफरेंट था। और शान की तारीफ करनी पड़ेगी, अगर हम शान और कोहली की इनिंग्स को मैच करें देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट इनिंग्स बाय विराट कोहली, फार फार अवे इंटेंटिक द इंटेंट, जिस तरीके से लेके चला, जिस टाइम पे उसने एग्जीक्यूशन की, जिस टाइम पे सिंगल्स करने थे, जब बाउंड्रीज की जरूरत थी, कब एक्सेलरेशन की जरूरत थी। और शान की भी इनिंग्स को मैं इसलिए कहूँगा, आई नो शान इज़ न्यू टू दिस एरिना, बट जब शान के सामने भी 2 आउट हो गए, उसके बाद वो चला, फिर एकदम 3 विकेट उनके सामने गिर गई 2 ओवरों में,
और उसके बाद वो एंड तक लेके गया. आई थिंक दैट 50 रन्स हैज़ गिवन कॉन्फिडेंस टू शान एज वेल एज द टीम. एंड प्लस उसकी वजह से जो स्कोर है वो पाकिस्तान वॉज एबल टू स्कोर 160, वेयर एज उसके एंड में इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की. अच्छा, इस मैच में ओवरऑल आमिर भाई, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स ने उस तरह से बॉलिंग अच्छी नहीं की, और हमारी यूनिट में एक चीज़ और अच्छी ये नज़र आई कि अगर शाइन की हम बात करें कि वो स्ट्रगल कर रहा था, अपनी इंजरी से कमबैक कर रहा है, रिहैबिलिटेशन मिला, तो नसीम ने फिर आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म भी किया, अच्छी लेंथ पे बॉल रखी. नहीं देखिए, इस ठीक है गो कि पाकिस्तान मैच हार गया है, और जब हारते हो तो आपको वीकनेस नज़र आती है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी थी. सबसे पहले अगर आप बैटिंग को देखिए तो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था कि यार ये बीच के जो नंबर 3 है, नंबर 4 है, इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा. उन्होंने कर जो शान और इफ्तिखार ने किया, ये अच्छा है कि पहले मैच में और इतने प्रेशर गेम में किया. ये पाकिस्तान के लिए आगे मैचेस, क्योंकि 2-3 मैचेस आपके आसान है, नीदरलैंड है, जिम्बाब्वे है, फिर साउथ अफ्रीका है, लेकिन ये जो मैच था ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतना प्रेशर वाला गेम था. इसमें उन दोनों का रन करना पाकिस्तान के लिए बहुत प्लस है. फिर नसीम का और हारिस का जो आज कॉम्बो था, अगर ये इसी लेंथ को इस टूर्नामेंट में हिट करते रहे, ये दोनों ही मोस्ट फुल बॉलर होंगे, क्योंकि जो 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 8 मीटर की लाइन है जो इन दोनों ने स्टार्टिंग में जिस पे बॉलिंग की है, अगर ये इस टूर्नामेंट में इस लेंथ को हिट करते रहे, अगर पांड्या जैसा बंदा वहाँ से मार नहीं खा रहा था ना, तो नसीम और हारिस नहीं खाते पूरे टूर्नामेंट में. तो ये प्लस था. फिर एंड पे जैसे वहाब भाई ने बोला कि हमारे बच्चे न्यू हैं इस अरीना में, जैसे नसीम है वो अभी इस सेटअप में आया है, फिर शहीन कम बैक के बाद आया, तो वो एकदम से एंड पे डेथ ओवर्स में सिचुएशन प्रेशर वाली आ गई. जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हमारी लास्ट 4 ओवर्स में इकोनॉमी सेकेंड हाइएस्ट है, ये आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा. इंडिया की फर्स्ट है, इंडिया ने भी आखिरी 10 ओवरों में 100 खाया, हमने भी आज 10 ओवरों में 118 खाया. तो ये T20 में कंसर्न है, पहला पावर प्ले और लास्ट 4 ओवर्स, ये आपके मैच डिसाइड करते हैं और आपको इस चीज़ पे काम करना. और दूसरा ये है कि देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि जिधर आपको कंडीशन फेवर करती है उधर नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, जिसका आज हमने फिर देखा कि बोल्ड वेल, ऊपर से 4 आउट हो गए, वो प्रेशर नहीं था आज के मैच में थ्रू आउट. लेकिन नसीम को इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, अगर आगे जाके उस तरह सीम और स्विंग नहीं मिलेगा. देखिए, अब हमारे मैचेस, एक नीदरलैंड के साथ हमने मैच खेलना है, एक हम लोगों ने जिम्बाब्वे के साथ खेलना है, एक हमारा तगड़ा मैच है जो सबसे ज़्यादा वो है सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. तो देखिए, कॉन्फिडेंस लेके चलना पड़ेगा नसीम को इन दो मैचेस में. ही शुड शो द डिफरेंस कि ठीक है वो टीमें दे आर नॉट अप टू द मार्क, बट ही शुड बी बॉलिंग वेल, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो फिर से आएगी, अटैक करेगी. सिडनी में मैचेस हैं, वहाँ पे बॉल जो है वो बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा वहाँ पे सीम स्विंग नहीं होता, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, तो उधर के लिए उसको अपने आप को तैयार करना है. उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका फ़ायदा एज अ बॉलर उसको भी होगा और पाकिस्तान को भी. अच्छा, नसीम की बॉलिंग में आज अगर कोई कमी है या कोई मशवरा? नहीं, देखिए, कमी इस वजह से नहीं थी कि देखें, पहले 2-4 ओवर मैंने जिस तरह पहले भी बात की थी सुबह में, कि इंडिया की टीम ने 6 ओवरों में तो बिल्कुल गिव अप किया हुआ था. हम सुबह भी ये बात कर रहे थे कि वेदर मैच से पहले कि वो टैकल कैसे करते हैं, उनकी अप्रोच क्या होगी. उनकी अप्रोच बहुत कैजुअल थी, स्पेशली राहुल की और शर्मा की जो अप्रोच थी वो बहुत कैजुअल अप्रोच थी. उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हम नए बॉल पे रन्स करें. उन्होंने ये शायद सोचा था हम 3-4 ओवर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लेके चलेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइन में उतनी डेप्थ नहीं है, तो हम उस तरीके से. बट देखिए, आपको अगर मैच जीतना है अच्छी टीमों से, तो आपको अटैक करना पड़ेगा. ठीक है, हमारे बॉलर्स का अगर शहीन की बात करूं, वो वही जो बाय बुक आप लेके आ रहे हो ना, वही चल रहे हो. आते ही आज फिर राउंड द विकेट आ गया, ना रिवर्स हो रहा है, ना कुछ स्विंग हो रहा है. तो एज अ लेफ्ट आर्म पेसर अगेंस्ट कोहली, आप एंगल यूज करते हो कि वैसे ही विराट इस खिंची लेंथ पे जो हल्का सा थर्ड स्टंप से फोर्थ स्टंप से बाहर निकलता है वो फंसता है, आप राउंड द विकेट आ गए हो. आपने यूज ये करना है कि आप इस एंगल से उसको बाहर, अगर ये वो खेलता है तो चांसेस है कॉट बिहाइंड होने के, स्लिप, आप राउंड द विकेट आ गए, आप फिर उसके जोन में आ गए. वो ये तो वैसे ही बड़ी अच्छी मारता है, फिर आप आगे करोगे तो वो मारेगा. अच्छा, सिर्फ एक शाहीन सिंक नहीं हो गए विराट के साथ, बल्कि जो कैप्टनसी है हमारे एंड से, उसमें मैं सलीम भाई की तरफ आना चाह रहा था पूछने के लिए कि एज अ कैप्टन कहाँ कहाँ वो बाय द बुक चलने का हमें नुकसान उठाना बेटर बता सकते. सलीम भाई, एक तो ये बताएं कि जब आप मैच से पहले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चीज़ें आप आके पिच को देखते हैं, उसके बाद आप जाके डिसाइड करते हैं, मशवरा करते हैं कि एक तो प्लेइंग 11 क्या होगा, तो कप्तान की क्या ये इख्तियारात नहीं है कि जब वो बाहर आया और टॉस अचानक से उनकी प्रेडिक्शन या उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक स्लिप कर गया, उन्होंने सोचा हम टॉस जीतेंगे फील्ड करेंगे, लेकिन टॉस इंडिया ने जीता, इंडिया ने कहा भाई हम फील्ड कर रहे हैं,
तो कप्तान के इतने इख्तियार महदूद हैं कि उसने वहाँ ऑन ग्राउंड सिचुएशन को प्लान बी पे फॉलो नहीं किया कि यार नहीं चार हम पेसर्स के साथ जाएंगे? नहीं, वहाँ आप फील्ड आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टॉस से पहले ना टॉस से पहले आपने टीमें देनी होती है। ठीक है, अब ये डिसाइड आपने टीम मीटिंग में करना होता है। जब आपकी रात को मीटिंग होती है ना, वो जो आप बात कर रहे हो ना, जब आप टॉस करने चले जाती है ना, फिर आपकी टीम खत्म, आप खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। टीम मीटिंग में मैं बाहर से बैठ के मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये टीम मीटिंग में क्या उनको समझ नहीं आई कि देखें ये तो फिर आप ये क्वेश्चन तो करने वाला उनको है ना। बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आप रात को टीम मीटिंग में जब आप बैठते हैं ना, तो हर एक एक चीज़ डिस्कशन में आती है कि यार अगर हम टॉस हारेंगे तो क्या करेंगे, अगर टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे, ए बी प्लान आप रात को बना के रखते हैं। आप सुबह आके तो डेफिनेटली सिचुएशन के हिसाब से कप्तान अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है कि उसको नज़र आ रहा है कि यार फलां बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और जैसे नवाज़ का था तो ये उसकी अपनी चॉइस थी कि वो किस वक्त किसको बॉल करवाता। कप्तान बहुत सारी चीज़ लगी मंदी हैं, लेकिन कप्तान के ये भी डिसाइड नहीं कर सकता मैच चलते मैच में कि 12वां ओवर मैंने नवाज से नहीं करवाना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये उसकी अपनी चॉइस है, ये उसका इख्तियार है कि वो उस वक्त वो खुद नहीं। तो ये हमारी कैप्टनसी जो है ये बाय द बुक क्यों चलती है? यार देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको टाइम के साथ आती हैं। आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो नया कैप्टन है, बेशक वो लोकल भी कर रहा है, मगर ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। ये आप जो आप बात कर रहे हैं कि उसको चेंज करना चाहिए था, ये तो हम सब कह रहे हैं बैठ के, क्योंकि उसने नहीं किया। मैं ख़ुद कहता हूँ कि उसने इफ्तिहार को उसको ओवर्स करवाने चाहिए थे। अगर आपको नवाज़ को नज़र आ रहा था कि मार पड़ गई है, कोई बीच में इफ्तिहार ने पिछले टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये कप्तान का अपना डिसीजन होता है। अब कुछ कप्तान होते हैं जो बहुत दिलेर होते हैं, वो डिसीजन ले जाते हैं कि यार आप बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, मगर कुछ होते हैं वो डरते रहते हैं, वो ना वो अपनी बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, ना वो बॉलर को किसी और को बॉलिंग कराते हैं। उसकी रीज़न ये होता है कि वो शायद डरा होता है कि यार नहीं, मैं जो चल रहा है मैं उसी के मुताबिक चलूँगा। ये तो अब कप्तान की ये डर कैसे ख़त्म होगा, ये डर किधर भेजा जाए इस बंदे को ट्रेनिंग के लिए? नहीं, ये डर ये कप्तान की नहीं। देखिए, मुझे ये लगता है, सॉरी सलीम भाई मैं काट रहा हूँ आपको, मुझे ये लगता है कि द डिसीजन ऑफ बॉलिंग हिम द लास्ट ओवर वाज एब्सोल्युटली राइट। आपको पता चल गया कि वो उसके पीछे जा रहे हैं, उसको अटैक करें, मैं उसको ओवर नहीं करवा सकता, सो द मैच ही हैज टू गो इनटू द लास्ट ओवर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो हो गया डैमेज हुआ उधर ना, एवरेज चेंज हो गई, एक ओवर वी हैव टू सेव। देखें वो उस ओवर में जिसमें 18-20 रन दिए हैं उसने, उसके बाद शादाब आया, उसको पहले बॉल पे चौका लगा लेकिन उसने 6 रन पे ओवर खत्म कर दिया, दैट मींस के वो कवर हो गया था ओवर। उसके बाद उसका ओवर लास्ट पे लेके जाना वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी कि हम लास्ट में देखेंगे जो भी सिचुएशन होगी उसमें हम इसको बॉलिंग करवाएंगे। लेकिन जिधर गलती की है एज अ कैप्टन वो ये थी कि आपको मैच फिनिश कर देना चाहिए। You should have brought Harris back. वो अच्छा ओवर कर रहा था, उस एंड से कर रहा था। पता है कि कभी कभी ये डिफरेंस भी आया था कि आप जब एंड चेंज करते हैं एक बॉलर का जो एक एंड से इतना अच्छा कर रहा होता है, एकदम जब दूसरे एंड से आना पड़ता है ना तो इट फील्स अ बिट डिफरेंट। अच्छा, ज़्यादा फर्क नहीं होता लेकिन मैंटेलिटी और थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा मैं उधर से आ गया। अगर वो वही ओवर वहाँ से दोबारा कर रहा होता, ओवर नंबर 18, वो आपका मेन बॉलर है, वो रन ही नहीं दे रहा, आप उसको करवाते, उसको अटैक करने जाते, मैं कहता हूँ विकेट ना भी मिलती 10 रन में भी ओवर कर देता वो। एंड में दो ओवरों में 38 करना और दो ओवरों में 30 करना वो इवेंचुअली हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको जब एक दो बाउंड्रीज लग जाएंगी तो आप समझ लेंगे 12-13 तो आपको हो गया। चलेगा मैच स्लिप कर गया। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, आपने कुछ कहना? ब्रेक के बाद आके ब्रेक के बाद वापस आके उसके बात करते हैं। इस ब्रेक के दौरान आपको ये बताते जाएं ब्रेक पर जाने से पहले कि कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन रखा हुआ है और कोका कोला फैन क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी ब्रेक में एक QR कोड आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उसे स्कैन करें और ये ज़बरदस्त गेम खेलें और टॉप स्कोर करने वाला जो है वो कोक मर्चेंडाइज का हकदार करार पाएगा। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। द शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। क्या इशारे कर रहे हैं? नहीं अभी ये आपको अपने साथ मिलाकर इस सीट पर हमलावर होना चाह रहे हैं? नहीं, विकी कह रहा था कि यार कोई
बाकी लोगों पे भी बात हो, मगर आपको रास्ता बताता हूँ कहाँ से एंकरिंग आपने जो है ना वो कंफर्म हो जाएगी। नवाज की भी बात कर रहे थे ना, देखे नवाज जब आपने देख लिया था ना कि नवाज को मेरा ख्याल 24 हुआ उसको एक ओवर में, जो उस ओवर में 22 हुआ, तो वो वैसे ही बहुत अंडर प्रेशर था आखिरी ओवर। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, अगर उसकी जगह इफ्तिहार को करवाया जाता ऑफ साइड पे बाहर वो बॉल करता तो शायद आपकी बचत होती। देखें आखिरी ओवर में उसने बहुत मार खाई, आखिरी ओवर उसने फुल टॉस किए यार, सारे नो बॉल कर दिया, फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया, कार्तिक आउट हुआ, T20 में कार्तिक आउट हुआ, फिर आपने उसको वाइट बॉल करके देखें उस पर, जब कार्तिक आउट हुआ था ना तो एक बॉल रह गई थी, अगर आप बीच में भी बॉल कर देते ना तो आपको हो सकता है मैच एक स्कोर होता और आपको मैच दोबारा एक ओवर का मिल जाता। जब T20 में जब छोटी सी मिस्टेक होती है ना वो रिकवर करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करते हो तो फिर आप 3 में 50 भी रिकवरी का टाइम ही नहीं मिल रहा। आपने ब्लंडर्स किए ना कि छोटी छोटी मिस्टेक ब्लंडर्स। अच्छा, इन सारी गलतियों के बीच में एक ब्राइटर साइड ये है कि इफ्तिखार ने जिस तरह से खेला, परेशान 42 बॉल्स उन्होंने फेस की, 52 रन उन्होंने बनाए, इसमें उन्होंने 5 चौके लगाए, चक्का कोई नहीं लगा सके, नॉट आउट रहे, तो ये एक ब्राइटर साइड है इस मैच की, शान और इफ्तिखार। देखें शान और इफ्तिखार क्योंकि सब इन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे भाई क्या कर रहे हैं, वेरी वेल प्लेड, आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जिस तरीके से बॉल सीम और स्विंग हो रहा था उसको आके टैकल करना, आपके दो मेन प्लेयर्स जब आउट हो गए उनके बाद स्पेशली इनिंग्स को लेके चलना, आई थिंक दैट शोड सम मैच्योरिटी इन द इनिंग। शान प्लेड एक्सेप्शनली वेल टिल द एंड ही वेंट, उसको पता था उसके सामने विकटें गिर रही हैं। द बेस्ट पार्ट वॉज जो इफ्तिखार ने आके 12वां ओवर खेला, स्पिनर के इवेंट अगेंस्ट द स्पिनर्स अश्विन, और उनको 2 ओवरों में 5 छक्के लगे, सो देयर द मैच ही टुक द मैच अवे, और वो पाकिस्तान को बड़ी कमांडिंग पोजीशन में ले आया था। वंस ही वाज इन द कमांडिंग पोजीशन उसके बाद चीज़ें जो थी दैट वाज डिफरेंट। सो थोड़ा सा आपको चीज़ों में देखना पड़ेगा कि दिस इज़ गुड, अच्छा स्टार्ट मिल गया दोनों प्लेयर्स को। हम बात कर रहे थे बाबर रिजवान, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी इफ्तिखार और शान के साथ भी। Now you have to move on with those expectations. You know कि अब वो 4 पे खेलेगा, अगले आ रही हैं बॉलिंग लाइनअप उस तरह नहीं है, किस तरीके को उसको टैकल करते हैं, जितने रन्स करते जाएंगे साथ साथ इतना उनके कॉन्फिडेंस में बेहतरी आती जाएगी। साउथ अफ्रीका का मैच वेरी इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि वो डिसाइड करेगा अब पाकिस्तान का कॉम्पिटिशन में रहना या जाना। मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आप फखर फिट होता है, सवाल कर रहे हैं फखर फिट होता है तो क्या किसकी जगह खेलेगा और कौन से नंबर पे खेलेगा, क्या उसे खेलना भी चाहिए ये देखते हुए शाहीन जिस तरह से उसको रिहैबिलिटेशन से। देखिए अब फखर किस पोजीशन में खेलेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। जब शान ने आपको 50 कर दिया, जब आपको इफ्तिखार ने किस नंबर पे खेलेगा, किस नंबर पे खेलेगा क्वेश्चन, क्योंकि हैदर और आसिफ भी तो नहीं कर फिर मे भी आप उसको 5वें पे लाए जिस तरह आपने पहले भी वर्ल्ड कप में उसको खिलाया, लेकिन 5वें पे क्या फखर इफेक्टिव है, पर द डिसीजन हैज टू बी, द थिंग इज नॉट कि इफेक्टिव है या नहीं, आप शान का नंबर नहीं चेंज कर सकते, शान का नंबर चेंज नहीं, आप शान का नंबर नहीं चेंज कर सकते। शान ने ना उसकी जितनी तारीफ की है काम है, शान देखो क्यों अच्छा खेला कि टेक्निक वाइज अच्छा था, ओपन करता है पाकिस्तान के लिए, और उसने उस सिचुएशन के लिहाज से उसको पूरा मौका मिला कि यार मैंने टीम आगे लग गई या उसने पूरी बारी ली और वो मैच को लेके गया, बाकी सामने प्लेयर्स भी उसके साथ, इफ्तिखार बहुत अच्छा इफ्तिखार बहुत अच्छा इफ्तिखार ने साथ दिया, तो मेरे ख्याल में जो शान इसलिए बेहतर खेला कि वो एज ए ओपनर खेलता रहा और उसको पता था नए बॉल को कैसे टैकल करना है, और मेरा ख्याल है कि वो ये उसकी क्लास थी कि उसने शो की, क्योंकि उससे पहले भी अगर उसका देखें उसने ओपन किया तो 66 रन हुए दोनों ने जब किए थे, तो यार वो प्लेयर तो वो है, अब हमारी गलती है कि हम उसको नहीं खिलाते, तो ये मैनेजमेंट की गलती है। नहीं अभी आमिर आप फखर की बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर फॉल कर रहे हैं उनमें से शादाब और आपका खुशदिल दे डू परफॉर्म, ये नवाज शादाब और नवाज सॉरी ये चल जाते हैं, अगर आप इन पर थोड़ी सी इनकी बैटिंग पर मेहनत करते हुए नीचे से एक प्रॉपर पेसर को आप कर सकते हो, लेकिन आप सिडनी जो है सिडनी इट्स अ डिफरेंट वेन्यू, सिडनी आपका डिफरेंट वेन्यू, सिडनी वहां पे आके 4-1 या 3-2 आई थिंक उधर 3-2 वहां पे 3-2 बनता है, क्योंकि वहां पे स्पिन के चांसेस हैं, टर्न होता है बॉल थोड़ा स्लो विकेट होता है, ऑन विकेट ऑन विकेट थोड़ा स्लो होता है तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, और सलीम भाई इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे रिजवान बाबर प्रशांत
आपको लग रहा है कि फखर को जबरदस्ती लाकर उसको जो है वो करना, क्योंकि शाहीन को आप देख रहे हैं बॉलिंग में वो स्ट्रगल कर रहा है, एक इंजर्ड प्लेयर को लाके बिठा देना? देखें, अगर तो वो अनफिट है, जैसे आमिर बार बार कह रहे हैं अनफिट है, उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसको खिलाना चाहिए। वही तो ये सेम टीम के साथ खेलेंगे, उसके साथ जाएंगे, कोई चॉइस इनके पास है नहीं। हाँ, मगर वहाँ ये है कि सिडनी में ब्रेक होता है बहुत, और वहाँ इनको दो स्पिनर्स के साथ ही जाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में इनको वहाँ इफ्तिहार को भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ज़रूर करना चाहिए। तो देखें, आपके पास चॉइस होनी चाहिए। हाँ। ना अगर आप नवाज़ अगर मार पड़ती है तो आपके पास सेकंड प्लान भी तो होना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्लान होना चाहिए। भाई सलीम भाई कह रहे हैं कि इफ्तिहार को जो है वो आपको उसको बॉल देना चाहिए, आप दोनों में से कौन सा? सिडनी जैसे अगर बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं कि बॉल अगर टर्न या स्विंग हो रहा है तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए, इफ्तिहार को बॉल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना। और आप देखें नाउ, फिर आपने ओपोजिशन भी देखनी है, डिकॉक लेफ्टी, रोसो लेफ्टी, मिलर लेफ्टी, तो इफ्तिहार तो आई एम श्योर के बॉलिंग करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब हम मैच हार गए लेकिन ओवरऑल जो इनिंग थी इंडिया की, विराट ने जिस तरह से खेला, फिर अर्शदीप ने जिस तरह का स्पेल करवाया, एक अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिली, मैच आखिर तक फंस गया, अच्छा गेम हुआ, बहुत अच्छी गलतियां भी की, लेकिन इंडियन इनिंग पे भी बात करते हैं, उधर से कितनी क्लास और क्वालिटी देखने को मिली अर्शदीप खासतौर पे? आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल, यंग गाय आया टीम में, उसको देख रहा है, ऑब्वियसली बुमराह नहीं है वहाँ पे, तो उनको बड़ा था कि नया बॉल कौन करे, वो आया, ही कैप्ट हिज नर्व्स। मैच के बाद भी उससे बात की, उसने कहा कि दिस इज द मोमेंट आई वांट टू एंजॉय, आई डोंट नो वेदर आई विल बी देयर अगेन ऑन दिस स्टेज और नॉट, सो आई जस्ट वांट टू एंजॉय, आई थिंक ही हैज एंजॉयड रियली वेल, उसने आके अपनी बॉलिंग की है, कैप्ट थिंग्स वेरी सिंपल, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कोशिश की, एक नया लड़का जब आता है इतने बड़े मैच पे तो उसको एक्साइटमेंट होती है कि मैं शायद कुछ ऐसा कर दूँ जिससे मेरा नाम हो जाए, बट आई थिंक ही कैप्ट हिज कंपोजर और उसने बहुत आराम से अच्छा लेके चला उसको, एंड देन ही वाज वेरी गुड। ये जो विकी भाई ने बात की ना कि मैं अर्शदीप ने मैच के बाद बात की कि आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्जॉय, ये वाला जो जहन है या ये जो एक अप्रोच है, ये हमारे यहाँ हम एंजॉय करने के लिए खेलते हैं कभी, मतलब क्रिकेट को क्रिकेट लड़के एंजॉय तो कर रहे हैं टूर्स पे, आप उनकी अगर इंस्टा पे और ट्विटर पे उनके ट्वीट्स देखें, एंजॉय तो वो कर रहे हैं, एक माहौल अच्छा है कि कभी मुझे भी ऐसे देख लो, वो फिर आके कहता है कि आपने मुझे कहा था कुछ, आप कह रहे थे, एंजॉय तो वो कर रहे हैं और अच्छी चीज़ है। देखे ग्राउंड में भी जान तो मारी है लड़कों ने, नहीं नो डाउट, वो ये आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जान नहीं मारी, और इंडिया को एंड तक मैच जीतना पड़ा है, ठीक है, वो ये नहीं कि देखें होता था कि नहीं ये अकेला ही कोई मैच ले गया और बड़े मज़े से ले गया, लेकिन ये जो लड़कों ने आज फाइट की है बहुत अच्छी फाइट की है, अगर छोटी गलतियां होती तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, ब्लंडर ना करते तो मैच ये मोस्ट लाइकली हमारा था, जिस तरह हमने 20 पे 4 आउट कर लिए थे मैच खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, वो आगे जाके 12वें 13वें ओवर पे जो गलती हुई। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, इस ब्रेक के दौरान कोका कोला पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन लेकर आया है, आप ब्रेक के दौरान जो क्यू आर कोड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा उसे स्कैन कीजिए और इसको इसका हिस्सा बनिए, गेम खेलिए और जो टॉप स्कोरर होगा उसे कोक मर्चेंडाइज जीतने का मौका मिलेगा। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आप सही तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। सलीम भाई जो हो गया आज, जो गुजर गया गुजर गया, आइंदा आने वाले मैचेस आज क्या सबक है, आइंदा के लिए क्या उम्मीदें हैं? यार देखो, जो मैच गुजर जाए उसको वैसे भी नया दिन जब आता है आपको भूल जाना चाहिए, अब पाकिस्तान को अगले मैच के बारे में सोचना चाहिए कि यार अगले मैचों की हमने किस तरह तैयारी करनी है, जो गलतियाँ की हैं एज़ यूजुअल जैसे कप्तान कहता है कि वो दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है अगले मैच अगर हम जीतेंगे तो अब भी क्वालिफाई करेंगे, तो जो गलतियाँ कर चुके हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, जिम्बाब्वे और देखिए इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मैच नहीं जीतने, आपको अपना रन रेट भी बेहतर करना है, उसकी वजह यह है कि ये मैच एंड में कंपटीशन, अगर हम इफ एंड बट्स पे ये करते हैं कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा देता है या इंडिया किसी टीम से आ जाता है ग्रुप की किसी और टीम से रादर देन साउथ अफ्रीका, तो आपका रन रेट पे मैच आना है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ जो दो वर्ल्ड की टीमें हैं जिनको हम लेते हैं उनका मैचेस हमें अभी हमें शुरू में अभी खेलने, तो हमें सिर्फ मैचेस नहीं जीतने, हमें रन रेट एवरेज भी अपनी हायर साइड पे रखनी है ताकि हमें आने वाले मैचेस में वो चीज़ प्रॉब्लम ना करे। ये हमारे साथ 2019 के वर्ल्ड कप में होता है, एक मैच बुरा हार गए थे हम लोग, उसके बाद पॉइंट टेबल पर हम लोग वी वर इक्वल, लेकिन रन रेट की वजह से वी वर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। सो आई थिंक स्ट्रेटजी शुड बी के वन बाय वन
और एवरेज मेंटेन। साउथ अफ्रीका वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम साउथ अफ्रीका से हारते हैं तो मोस्ट लाइकली हम आउट हैं टूर्नामेंट। लेकिन अभी जिम्बाब्वे और दूसरे जो हमारे मैचेस नीदरलैंड वाला, लेकिन तो इस हार के बाद वो दो मैचेस क्या सोच के खेलने हैं फिर आगे साउथ अफ्रीका? जैसे वहाब भाई ने बोला है कि इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा, अब आपको रन रेट को भी देखना है। अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से हारता है तो फिर, क्योंकि वो भी कोशिश करेगा कि हम नीदरलैंड से और जिम्बाब्वे से हाई रन रेट पे गेम्स जीते, रन रेट पे जीते, तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा। और अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पहले दो अब अगले जो नेक्स्ट गेम्स हैं ये नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के साथ है, तो आप और सिडनी में नेक्स्ट गेम सिडनी में नहीं, दोनों पर्थ में, दोनों पर्थ देखें। अब रन रेट की बात मेरा ख्याल सेकंड आती है, पहले हमें मैच जीतने चाहिए पर्थ में, क्योंकि जो मैच अगले मैच जो पर्थ में होने हैं ना, वो वहाँ रन रेट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल, इंग्लैंड फंस गया था मेरा ख्याल है वहाँ, विकी पहले इनको मैच जीतने नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुना देता हूँ। 2015 का वर्ल्ड कप तक हम जिम्बाब्वे अगेंस्ट खेल रहे थे ब्रिस्बेन में, और उस विकेट पे थोड़ा सा मॉइस्चर था और इनके बॉलर थे चितारा, और चितारा के साथ एक और बॉलर था, अब तो मूसा रब्बानी है, उनकी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग लाइनअप बेहतर है। अगर वहाँ पर थोड़ा सा सीम और स्विंग हुआ है, रिमेंबर हमारे 10 ओवर में 12 रन थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और हमारे 2 या 3 आउट हो गए थे, और दैट वॉज अ वेरी क्रूशियल मैच, इसलिए क्योंकि अगर हम वो लोग हार जाते मैच जिम्बाब्वे से तो हमने टूर्नामेंट से बाहर हो जाना था। बट वी एंडेड अप स्कोरिंग 234-235 और फिर हमने उनसे वो मैच जीत लिया। सो बॉलिंग लाइनअप स्पेशली पर्थ में अगर सीम और स्विंग हुआ अगेन, ग्रासी विकेट होगी इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा सा देख के चलेंगे और हम लोग इंशाल्लाह मैच जीत जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ इसमें सलीम भाई एक बात और कि ख़ासतौर पर हम शाहीन की बात कर रहे हैं, शाहीन को आगे रेस्ट करवा देना चाहिए। देखे जो आज उसने बॉलिंग की है और जिस तरह भी थकाने वाली स्ट्रगल कर रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि उसको मैच खुद भी खेलना चाहिए, और इनको भी मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज आखिरी जो स्पेल किया है वो टोटली वो स्ट्रगल कर रहा था, उससे बिल्कुल भागा नहीं जा रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगला मैच उसको खुद भी नहीं खेलना चाहिए और मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि इसको ना खिलाएं। चले बारह। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपका हीरो विराट, मैच के दौरान भी आप बार बार उसका इंतजार करते रहे कि क्लासिक जो इनिंग है उन्होंने खेली, और उनका किससे कंपैरिजन हो सकता है वैसे टीम पाकिस्तान? नो, आई थिंक कोई करता है आजकल के एरा में T20 वाइड बॉल के साथ ही कर सकते हैं। मैं तो टीम में, मैं तो बिलीव करता हूं कि वाइड बॉल में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और एक खास चीज़ ये कि इंडिया इंडियन प्लेयर्स में ओवरऑल फिटनेस का एक मैार भी सेट है, वो शर्मा वगैरह के जो मसाइल और मामला स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, वो बात वही है कि वो रन कर देता है तो सारी चीज़ें छुप जाती है। लेकिन आप देखिए सूर्या कुमार यादव, हालांकि उसने 15 रन किए, लेकिन उसने ये प्रूव किया है कि वो T20 का इस टाइम रूल कर रहा है रैंकिंग में भी। और बाकी जो लोग रैंकिंग उसने 10 बॉलों पे 15 किए, लेकिन आप उस प्रेशर गेम में उस टाइम 2 आउट हुए थे, ऊपर से उसका इंटेंट देखिए आप, जो बॉल मिल रही थी उसको उसके जोन में आ रही थी, उसने पहला बॉल सीधा चौका पीछे किया मिड विकेट चौका। तो जब इनफॉर्म बैट्समैन होता है ना तो उसका इंटेंट भी ऐसे होता है, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनका इंटेंट यही होता है। ठीक है, अब हम रह गए, हमारी इंटेंट अच्छी नहीं रही, हमारी इंटेंट अच्छी, उसको इंटेंट को अच्छा करने के लिए क्या करें? प्रोग्राम खत्म कर दें, प्रोग्राम खत्म कर दें। आज का दिन वैसे ही बहुत लंबा हो गया, लेकिन जब जब पाकिस्तान का मैच होगा हम इसी तरह आपको थकाएंगे और खुद भी थकने की कोशिश करेंगे। इंडिया के साथ नहीं अगला मैच, इसलिए इतना लंबा ना कीजिएगा। कितना आप बता दें कितना करना? अगली बार लंबा हो रहा है, अगली बार एंकर विकी भाई होंगे। नहीं खेला तो इस ब्रेक में आपके पास आ जाएगा दोबारा QR कोड, आप उसे स्कैन कीजिए। जो फैन क्विज है, फैन क्विज उसका हिस्सा बनिए, स्कैन करके तुक्के लगाइए, अंदाजे लगाइए, और फिर जो टॉप स्कोरर होगा वो कोक मर्चेंडाइज जीतेगा। अभी तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल रूटीन के मुताबिक 10 बजे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।